एयर एम्बुलिज्म ड्यूरिंग डायलिसिस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, काफी लोगों के कमेंट से पहले अगर आप देख रहे हो एयर अंदर जाते हो सबसे पहले आपको क्या करना, विनस लाइन क्लैम्प कर देनी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर एम्बुलिज्म के बारे में कि एयर एम्बुलिज्म क्या होता है, उसके ट्रीट कैसे किया जाता है उसको, उसके कॉज क्या क्या होते हैं और प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको इस वीडियो में ये पता लगने वाली है कि अगर एयर एम्बुलिज्म हो जाता है तो उस टाइम पर आपको पैनिक ना होकर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि आप पेशेंट को ट्रीट कर सको। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डायलिसिस का ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि इसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि इसको बताइए, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको थ्योरेटिकली भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिकली भी आप लोग इससे मैनेज करना सीख जाओगे। और सर्किट में से एयर कैसे रिमूव की जाती है इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इसके एयर एम्बुलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रीट किया जाता है और थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। देखिए एक वर्ड है एम्बुलिज्म, वो कब यूज़ किया जाता है। एम्बुलिज्म वर्ड का ये मतलब होता है जब भी कभी आर्टरीज, वेन या फिर कैपिलरीज के अंदर कोई क्लॉट फॉर्म हो जाए या फिर उसमें एयर आ जाए, मतलब ब्लड को छोड़ के कुछ भी उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे उसे आप एम्बुलिज्म बोलते हो। और जब उसके साथ एयर जुड़ जाती है तो आप क्या समझ रहे हैं इसे कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड लाइंस के अंदर, चाहे वो आर्टरी हो, वेन हो, कैपिलरीज हो, उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी एयर आ गई है तो उसे आप एयर एम्बुलिज्म कहेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो एयर्स के जो बबल, अगर वो छोटे 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 हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने फ्लश किया पेशेंट को और उसमें आपकी कितनी 0.4 ml या फिर 1 ml एयर चली गई, तो वो अंदर जाके छोटे 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 बॉल्स बना रहे, फिर वो क्या क्या होते हैं अंदर जाके ना डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, छोटे मोटे रहते हैं। अगर वहीं ज़्यादा एयर चली जाए पेशेंट के अंदर तो भी आप पेशेंट को बहुत ईजिली बचा सकते हो, बस आपको ये सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता क्या। इतना भी पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर है, ठीक है, वो जिस चीज़ के भी अंदर है उसे आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्किट बोलोगे या सिस्टम बोलोगे, ठीक है। अगर उसके अंदर एयर आ जाए और वो उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है वो रुक जाए तो उसे आप क्या कहोगे, ब्लड लाइन्स के अंदर एयर आ गई है, ठीक है। अब इसके कोर्स क्या क्या होते हैं, जो IV बैग है आपका, जो भी आपने IV बॉटल लगा रखी है वो क्या है, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। एयर लीक इन द ब्लड लाइंस, ठीक है, एयर डिटेक्टर नॉट अलाउड होगा। एयर डिटेक्टर मान लीजिए मशीन का मालफंक्शन हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी चांस होते हैं कि वो क्लैंप नहीं बंद होगा। एक होता है एयर डिटेक्टर, एक होता है एयर डिटेक्टर क्लैंप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका एयर डिटेक्टर ही खराब हो गया तो वो एयर क्लैंप ही नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है एयर डिटेक्टर पहले डिटेक्ट करता है फिर वो मैसेज देता है क्लैंप को कि क्लैंप होने के लिए। जब एयर डिटेक्टर ही खराब हो जाएगा तो उसे मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा नीचे, क्योंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं, तो क्या होता है फिर वो क्लैंप नहीं कर पाता ट्यूबिंग को, तो एयर सीधा पेशेंट की बॉडी के अंदर चली जाती है। ये भी एक माल फंक्शन होता है मशीन के अंदर कि इसको अगर ये होता है तो पेशेंट के अंदर एयर जा सकती है। लूज कनेक्शंस, कनेक्शन अगर लूज है तो वहाँ से भी एयर जाने के चांस होते हैं, बट इसमें क्या होता है एयर कम जाती है क्योंकि प्रेशर इतना हाई होता है कि पहले ही उसमें से ब्लड आने लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये तो यहाँ से कनेक्शन लूज है। अब सेपरेशन ऑफ ब्लड लाइंस, जो ब्लड लाइंस हैं उनको वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए, बिल्कुल ही अलग हो जाए, तो उसमें एयर जाएगी ही जाएगी। अब हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं एयर एम्बुलिज्म के। पेशेंट को देखिए क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या आपको साइन देखने को मिलेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता सकता हूँ कि एयर एम्बुलेंस में आप पैनिक हो, सबसे बड़ी बात क्या होती है उस टाइम ना पैनिक हो जाते हैं। मोस्टली क्या होता है एयर एम्बुलेंस ट्रीट बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। देखिए पेशेंट को क्या है, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, इसमें से ना आपको खुद देखना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे पेशेंट आपसे सिर्फ इतना ही बोलेगा कि मुझे खांसी जैसा लग रहा है एकदम से, ठीक है। जब भी एयर एम्बुलिज्म होगा तो पेशेंट आपको सिर्फ यही बोलेगा मुझे खांसी जैसा लग रहा है। और आपको पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है वन साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि देखिए जब तक आपको क्या करना है सिर्फ ब्रेन जो है वो डेड होने से बचाना है, तो चांस है
कार्डिक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के दोनों के। अब देखिए पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट क्या देना है। ट्रीटमेंट ऑफ एयर एम्बुलिज्म देख लेते हैं। क्लैम द ब्लड लाइंस एंड स्टॉप ब्लड पंप। आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लड लाइंस को क्लैम कर देंगे और ब्लड पंप को आप स्टॉप कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत पेशेंट को टैंडल बार पोजीशन में लेके आना है और पेशेंट को उसके लेफ्ट तरफ करना है, मतलब जहाँ भी उसका लेफ्ट हैंड है उसको उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर करना है, मतलब लेफ्ट तरफ टिल्ट करना है पेशेंट को, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर सिम्टम्स आ रहे उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अब ये इसमें ना इतना पैनिक नहीं होना है, उस टाइम पे एक्शन इतनी जल्दी लेना है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ, जो मैंने 7 साल के अपने एक्सपीरियंस में एक भी पेशेंट एयर एम्बुलेंस की वजह से एक्सपायर होते हुए नहीं देखा। कोई भी पेशेंट है, अगर उसको आपने लगा कि उसको थोड़ी बहुत एयर गई या फिर पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि मुझे खांसी जैसा हो रहा है, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो एयर अंदर जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना, विनस लाइन क्लैम कर देनी है। एट द सेम टाइम आपको साउट फॉर हेल्प बोलना है, वहाँ पे जो भी स्टाफ आउटली आपको बुलाना है ताकि वो जल्दी से आए, ठीक है। और उतनी देर में आप क्या करोगे, क्लैम्प आपने कर दिया, तुरंत दूसरे रिमूव कर दिए और आर्टरी के अंदर कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप विनस के अंदर कनेक्ट करोगे तो विनस का कैथेटर है या फिर AVF फिस्टुला नीडल है तो उसके अंदर ऑलरेडी एयर है विनस के अंदर, और एयर अंदर चली जाएगी तो आपको सीधा क्या करना है, फटाफट जो आपका आर्टरी है जिससे आप ब्लड ले रहे हो उसके अंदर आपको क्या सलाइन कनेक्ट कर देना है, और सलाइन आप डायरेक्ट जो आपकी आईवी सेट है, आईवी सेट के थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे। इस बात का वेट नहीं करोगे कि वीनस में आप कनेक्ट करो, एयर निकालो फिर कनेक्ट करो, नहीं, आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद उसको आप सलाइन ट्रेस करके दीजिए, ऐसा नहीं जाएगा। और दूसरा जो भी स्टाफ आता है उसको फटाफट आपको बोलना है कि ऑक्सीजन लगाए उसको, ठीक है, ऑक्सीजन लगा के पल्स ऑक्सीमीटर आपको पेशेंट को लगाना है। अगर ये आपने एक्शन जल्दी कर दिया ना तो आप बहुत इजली पेशेंट को बचा सकते हो, क्योंकि सलाइन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसकी जो एयर अंदर चली गई हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, छोटे छोटे जब वो टूट जाएगी तो वो खुद ही डिसअपियर हो जाएगी। पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, जो आपको अभी मैंने बताया, सिर्फ सबसे पहले क्लैंप करना है, फिर आपको सलाइन कनेक्ट कर देना है, वो भी आर्टरी से कनेक्ट करना है, याद रखना। और देखिए क्या होता है ना, कैथेटर या फिर फिस्टुला नीडल, अगर आपको लगता है कि एयर इतनी भी नहीं गई, अगर आपको लगता है कि थोड़ी एयर गिरी, तो उससे आप जब सिरिंज से विड्रॉल करोगे तो एयर भी बाहर आएगी और ब्लड भी साथ में आएगा, तो वो भी आप एयर तब तक निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देना है और फिर आप इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। एयर इन ब्लड लाइंस के कोज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे आ सकती है ब्लड लाइंस के अंदर, सलाइन बैग खाली हो जाएगा, आपको बता दिया, कनेक्शन लूज होंगे, डायलिसिस नीडल रिमूव वाइल ब्लड पंप इज रनिंग, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मल से देखने को ही मिला होगा कि नीडल रिमूव हो जाती है और ब्लड पंप चलता रहता है, तो भी चांस होते हैं, बट ऐसे में क्या मशीन अलार्म कर देती है, कभी कभी मशीन में माल फंक्शन होता है तो ये चीज़ हो सकती है, प्राइमिंग पुअर हुई हो, क्योंकि प्राइमिंग बेकार होने से भी क्या होता है, एयर जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं अगर ऑलरेडी प्राइमिंग में आपकी एयर है तो। और वो मान लीजिए प्राइमिंग में एयर है और कभी कभी जो आपका एयर डिटेक्टर होता है अगर वो काम नहीं किया और प्राइमिंग पुअर है तो भी उसमें छोटे 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 बबल करके जाते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, एयर इन ब्लड लाइंस का प्रिवेंशन इसमें दिया गया, कीप लेवल ऑफ ड्रिप चैम्बर अप, हमेशा आपको चैम्बर्स को भर के रखना है, रिप्लेस एम्प्टी सलाइन बैग्स इमीडिएटली, जैसे ही सलाइन खाली हुआ है बोतल उसे तुरंत आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए जब आप प्राइमिंग कर रहे हो, और नीडलिंग पे अच्छे से टेपिंग होनी चाहिए, जो भी आप माइक्रो पर अप्लाई करते हो तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होनी चाहिए, करेक्ट फॉलो करेक्ट प्राइमिंग प्रोसीजर, और आपको एकदम करेक्ट जो प्राइमिंग का प्रोसीजर है, मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं उसके ऊपर, तो आप उसमें देख के एकदम समझ सकते हो। जो हमने एम रखा था वीडियो के अंदर 500 लाइक का, तो वो ज़रूर कंप्लीट करा दें, और होपफुली आपको सारी वीडियोस काफ़ी पसंद आती होगी, तो कमेंट जरूर करके बताया करो यार, लाइक का एम तो आप लोग कंप्लीट करा ही देते हो, और हमारी कम्युनिटी यूट्यूब पे इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि काफ़ी लोग अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और एक जब ऑडियंस ही चीज़ें बताती है ना तो ही एक अच्छी कम्युनिटी बन सकती है। मैंने आज तक मतलब जितने भी और यूट्यूब चैनल देखे हैं उनमें ऐसी बॉन्डिंग नहीं देखी, मतलब ऑडियंस और एक
क्रिएटर के बीच में, क्योंकि सबसे बड़ी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग जो भी कमेंट करते हो, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, यही सोच के कि यार तुम लोग वीडियोस को देख रहे हो तो तुम्हारे ज़रूर डाउट आते होंगे। क्योंकि जब मैं भी इस कोर्स को करता था मेरे भी बहुत डाउट आते थे, बट मैं हमेशा क्लियर नहीं कर पाता था। तो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।